हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन आरटी एजुकेशन हब बांसुर ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी कंटिन्यू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट एंड टुडे वी ऑलरेडी कंटिन्यू यूनिट नंबर 3। वी ऑलरेडी सी द पार्ट ऑफ दिस यूनिट इन प्रीवियस क्लासेस, दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स in which we study aldehyde and ketone. Okay, second we already see the structure of carbonyl compounds, yani C double bond ki jo structure hai carbonyl compounds ki, wo main aapko already bata chuka hu, uska apna explanation kar chuke hain already, for writing part bhi ho chuka hai. Aur third type mein jo chal raha tha wo tha method of preparation of carbonyl compound. कार्बोनाइल कंपाउंड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो अपन इसमें स्टडी कर रहे थे. ओके, और इस वाले में आपको ऑलरेडी स्टडी करा दिया था स्टूडेंट्स, कौन से वाला टाइप फर्स्ट है. और टाइप फर्स्ट में क्या था, टाइप फर्स्ट में बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों का फॉर्मेशन कैसे होता है ये मेथड अपनी चल रही थी. एल्डिहाइड भी बन रहे थे और क्या बन रहे थे, कीटोन का फॉर्मेशन भी हो रहा था. एल्डिहाइड और कीटोन्स का फॉर्मेशन किस टाइप से हो रहा था ये अपन ने देखा था. मोस्टली इसके अंदर अपन ने लगभग 7 रिएक्शन देख ली थी. कितने रिएक्शन थी, 7 रिएक्शन था. लास्ट रिएक्शन अपना था कौन से वाला, आपको याद है यूरिमिनिक नेफ रिएक्शन. कौन से रिएक्शन पढ़ी थी अपन ने, नेफ रिएक्शन अपन ने क्लास में स्टडी किया था. ओके, प्रीवियस क्लासेज में अपन स्टडी कर चुके हैं नेफ रिएक्शन के बारे में. नाउ वी स्टडी कंटिन्यू इन नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज टाइप सेकंड रिएक्शन. और टाइप सेकंड रिएक्शन है वो क्या है स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन का सेकंड टाइप है. क्या बना रहे अपन, कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो कैसे बनाए जाते हैं उसकी मेथड की मैंने तीन भागों में डिवाइडेशन किया है. पार्ट टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड में. दैट मीन्स टाइप फर्स्ट में अपन ऑलरेडी 7 रिएक्शन पढ़ चुके हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की. लास्ट अपन ने पढ़ा था नेफ रिएक्शन के बारे में. और अपन अब पढ़ने वाले स्टूडेंट्स टाइप सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन. और टाइप मेथड ऑफ सेकंड में अपन जो बात करने वाले हैं वो है ओनली एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है. यानी पहले अपन स्टडी क्या कर रहे थे, जो अपन ने पहले मेथड पढ़े हैं उसमें दोनों थे, बहुत के बहुत. दैट मीन्स दोनों ही बन रहे थे, एल्डिहाइड भी बन रहा था और कीटोन भी बन रहा था. दैट मीन्स इस वाले के अंदर अपन बात करेंगे सिर्फ इसकी. ओनली कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऐसी हैं जिनमें जो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करने में ही काम आते हैं. कौन कौन सी रिएक्शन है, दो रिएक्शन इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन से अपन उसको लिखने वाले हैं, राइटिंग करने वाले हैं, उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो आप देखेंगे इसके अंदर टाइप सेकंड के अंदर. और फिर अपन बात करेंगे टाइप थर्ड के अंदर. और टाइप थर्ड के अंदर भी स्टूडेंट्स दो रिएक्शन है और ये रिएक्शन किसके लिए काम आती है, ओनली फॉर्मेशन ऑफ कीटोन. किसका फॉर्मेशन होगा, कीटोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो रिएक्शन कौन से कहलाएंगी, ये अपन दो रिएक्शन इसके अंदर पढ़ेंगे. तो सात रिएक्शन अपन यहाँ पर टाइप फर्स्ट में पढ़ चुके हैं इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की. दो रिएक्शन अपन पढ़ेंगे, ओनली एल्डिहाइड ही बनाती है वो केमिकल रिएक्शन कौन सी है, मेथड कौन सी है. और दो मेथड ऐसी हैं जो सिर्फ कीटोन का फॉर्मेशन करती है, वो वाली कौन सी रहेंगी. तो टोटल मिला के अपने पास में 11 मेथड है इसके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स के, जिसमें से अपन ऑलरेडी 7 को स्टडी कर चुके हैं. अब अपन स्टडी करने वाले हैं सेकंड टाइप का, जो है आपका फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, ओनली फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड. ओके, ये मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करा है प्रीवियस क्लासेस में अपने क्या देखा है और आप नेक्स्ट अपन क्या देखने वाले हैं. ओके, आज अपन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स टाइप सेकंड. और टाइप सेकंड है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड. आज जो अपन रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें सिर्फ एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, वो रिएक्शन अपन देखने वाले हैं, कीटोन का फॉर्मेशन इसमें नहीं करने वाले. सबसे पहले इस वाले में एक रिएक्शन स्टूडेंट वो है स्टीफन रिएक्शन. कौन सी है, स्टीफन रिएक्शन. और ये स्टीफन रिएक्शन है, इसको स्टीफन रिडक्शन भी कहते हैं. क्या कहते हैं इसका, स्टीफन रिडक्शन भी कहा जाता है. ये
अप चेन रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। और ये रिएक्शन होती कैसे स्टूडेंट्स देखो, स्टीफन जो रिएक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स, नेम रिएक्शन है ध्यान रखना, स्टीफन रिएक्शन है। कैसे होती है देखिए, इस वाले में जो अपन यूज करते हैं स्टूडेंट्स, वो यूज करते हैं अपन CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। ये क्या है, एल्किल नाइट्राइट। क्या है ये, एल्किल नाइट्राइट। और एल्किल नाइट्राइट के रूप में अपन देखें तो किसको यूज कर रहे हैं अपन यहाँ पर, एल्किल नाइट्राइल के रूप में, एल्किल नाइट्राइल के रूप में अपन यूज किया है मेथिल नाइट्राइट। किसको यूज किया है, मेथिल नाइट्राइट। तो ये अपने पास में क्या है, एल्काइल नाइट्राइल, NITRIL। तो ये ग्रुप कौन सा कहलाता है, CN क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। ओके, इस वाले में आप देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड है। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया था स्टूडेंट्स, जब भी पाई बॉन्ड्स आते हैं तो डिकोलाइजेशन होता है। क्या होता है, डिकोलाइजेशन होता है। इस वाले की जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स, अपन जो कराते हैं वो किससे कराते हैं, सबसे पहले इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं कंसंट्रेट HCl से। किससे रिएक्शन कराएंगे, इसकी कंसंट्रेट HCl से रिएक्शन कराते हैं। देखो कैसे रिएक्शन होती, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ माइग्रेट कर जाए, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। इस वाले बॉन्ड को अपन ब्रेक करें, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, Cl। और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, दैट मीन इस पे तो पार्शियली क्या जाएगा, पॉजिटिव। इस पे कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। कौन से वाला पार्ट कहाँ पे ऐड होगा, जैसे अपन इस पे ऐड करते स्टूडेंट तो आपको ऐसे प्रोडक्ट बनेगा CH। इस वाले में कौन सा जुड़ गया, Cl वाला पार्ट, दैट मीन्स ये आपको मिल जाएगा CH, ये वाला। ओके, इस वाले पार्ट में अपन ने जोड़ दिया C डबल बॉन्ड NH, ये वाला पार्ट। और अपने पास में क्या जुड़ गया, यहाँ पर Cl जुड़ गया, डॉट Cl। ओके, ये पार्ट अपने को यह मिल जाता है, इसका नाम है इमाइन। क्या बोलते हैं इसको, IMINE, इमाइन यहाँ पर बन जाता है। और इस इमाइन का अपन क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस, का मतलब है H2O, इसको जोड़ते हैं, H2O को यहाँ पर जोड़ा जाता है। हाइड्रोलाइसिस करवाने का मतलब है अब ये बॉन्ड टूटेगा, कौन से वाला, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है। और ये वाला बॉन्ड जैसे यहाँ से ब्रेक होगा तो अपने कंपाउंड मिलेगा ये CH3CHO। तो OH तो अपन ने जोड़ दिया यहाँ से, H जो निकल गया वो इसके साथ चला जाता है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पर जाता है तो अपने को कंपाउंड जो मिलने वाला है वो देखो स्टेट क्या करता है, इस वाले एक समय अपने को कंपाउंड है, लास्ट में अपन देखें तो हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो वहाँ पर N है, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड अपने को यहाँ से मिल जाता है, क्यों, क्योंकि अपन यहाँ पर जो यूज़ करने वाले स्टूडेंट्स वो क्या हैं, मोस्टली अपन जो यूज़ करते हैं इसमें, वो सबसे बड़ी बात देखो क्या है, इसमें अपन जो यूज़ करते हैं वो कौन से वाला रेजेंट होता है उसी के आधार पर पहचानते हैं इसको। यहाँ पर यूज़ करते हैं SnCl2, ये है अपने पास में क्या, स्टेनस क्लोराइड। क्या है, स्टेनस क्लोराइड को यूज़ किया जाता है। और इसमें किसको यूज़ करते हैं, कंसनट्रेट HCl मीडियम। किसको यूज़ कर रहे हैं, कंसनट्रेट HCl मीडियम, साथ में SnCl2 जो है ये क्या कहलाता है, स्टेनस क्लोराइड कहलाता है। तो स्टेनस क्लोराइड जो होता है ये ड्राई ईथर सॉल्यूशन जो होते हैं, कौन से वाले, ड्राई ईथर जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको यूज़ करते हुए इसको बनाया जाता है। और यहाँ पर जो मीडियम है वो क्या है स्टूडेंट्स, ड्राई ईथर। किसको यूज करेंगे, ड्राई ईथर को। टेम्परेचर है, रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर टेम्परेचर भी देना पड़ेगा, मोस्टली यहाँ पर 2 टेम्परेचर है, 298 केल्विन टेम्परेचर को यहाँ पर यूज करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्किल नाइट्राइल का अपन ने रिएक्शन कराया, सबसे पहले किससे रिएक्शन होगा, HCl से रिएक्शन होता है। किससे रिएक्शन होता है, HCl से रिएक्शन होता है यहाँ पर। तो जैसे HCl से रिएक्शन होता है आपके पास में इमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। और इमाइन जो होता है इसका हाइड्रोलाइसिस अपन जब कराते स्टूडेंट तो अपने को किसका फॉर्मेशन मिलता है, यहाँ पर इसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर मोस्टली हाइड्रोलाइसिस करवाने पर अपने को फॉर्मेशन जो होने वाला है स्टूडेंट्स वो किसका है, ये वाला। और ये क्या है, एसीटल्डिहाइड। क्या है ये, एसीटल्डिहाइड। ये अपने पास में जो बन गया है ये कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। ओनली एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करने के लिए कौन सी रिएक्शन काम आती है, एल्किल नाइट्राइल का आप क्या करा दो, रिडक्शन करवा दो। किसकी प्रेजेंस में, स्टेनस क्लोराइड कंसंट्रेट HCl, जहां पे आपको एरो के ऊपर लिखा जाए तो आप समझ जाना वो कौन सी रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन है। कौन सी वाली है, स्टीफन, जिसमें एल्किल नाइट्राइल से क्या बन जाएगा, CH3CHO, मतलब एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये तो थी अपनी कौन से टाइप की रिएक्शन है, फर्स्ट टाइप की जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है।
वो कौन सी रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये है स्टीफन रिएक्शन या स्टीफन डेल्सन कहलाता है। ओके नेक्स्ट अपन जो देखने वाले हैं इसी से कंप्लीट है, रिएक्शन इसी टाइप का है, वो देखिए आप कौन सी रिएक्शन है। नेक्स्ट अपन जो बात करने वाले हैं रिएक्शन सेकंड नंबर, वो भी एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन करते हैं और वो रिएक्शन है स्टूडेंट्स रोशन मुंडर रिएक्शन। रोशन मुंडर रिएक्शन आर ओ एस सी एन एम यू एन डी रोशन मुंडर रिडक्शन भी कह सकते हो आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरी रिएक्शन अपन जो पढ़ने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स रोशन मुंडर रिडक्शन। और रोशन मुंडर रिडक्शन है वो देखिए किस टाइप से होता है और किसका होता है, ये होता है स्टूडेंट्स एल्किल एसाइल क्लोराइड का। एल्किल एसाइल क्लोराइड ये रहा आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ और ये रहा क्लोराइड सी। ये क्या कहलाएगा एसाइल क्लोराइड, क्या कहलाएगा एसाइल क्लोराइड। और एसाइल क्लोराइड के स्टूडेंट अपन रिएक्शन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, जब भी आपको एरो पे लिखा जाए पी डी और BaSO4 बेरियम सल्फेट, क्या लिखा आ जाए PdBaSO4 लिखा हुआ आ जाए तो आपको क्या करना है, ये वाला कौन सा रिडक्शन कहलाएगा स्टूडेंट्स, ये वाला कहलाएगा रोशन मुंडर रिडक्शन। और इसके अंदर अपन जो यूज करते हैं वो रेजेंट या जो मीडियम होता है वो होता है बॉयल्ड जाइलीन सॉल्यूशन को यूज किया जाता है। जाइलीन जो होता है उसको अपन यहाँ पर यूज करते हैं। जाइलीन का स्ट्रक्चर अगर बात करें तो ये टाइप की जो अपने पास में है ये CH3 ग्रुप बेंजीन पे अटैच है, ये वाला CH3 ग्रुप बेंजीन पे अटैच है, ये ऑर्थो जाइलीन है। अगर यहाँ पे अगर मेटा है यहाँ पे अगर क्या कहलाएगा पैरा जाइलीन कहलाएगा। ओके ये अपन ने यूज किया क्या जाइलीन सोल्यूशन को इसमें यूज करते हैं। मस्ट कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, ये वाला पीडी यानी पैलेडियम और बेरियम सल्फेट है उसको यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर इसका रिडक्शन होता है स्टूडेंट्स तो अपने को मिल जाता है RCHO+HCl। ये क्या बन गया यहाँ पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो चुका है। यही तो अपने को यहाँ पर करना रहता, दैट मीन्स एल्डिहाइड वाली ग्रुप बनाने की दो मेथड हो गई। एसिल क्लोराइड की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट बेरियम सल्फेट को यूज करते हैं बॉइल्ड जाइलिन की प्रेजेंस में तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है एल्डिहाइड का फॉर्मेशन अपने पास हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए अपन जैसे अपने को बनाना है CH3 सी डबल बॉन्ड ओ और सी है, ये आपके पास में एग्जांपल है। इसकी रिएक्शन आप किससे कराने इसकी प्रेजेंस में पैलेडियम की उपस्थिति में BaSO4 यहाँ पर कोकेटलिस्ट यूज करते हैं और ये बॉइल्ड जाइलिन है और यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास में रिडक्शन होगा CH3CHO का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये वाला कौन सा एल्डिहाइड स्टूडेंट्स, ये वाला कहलाता है एसिटल्डिहाइड। क्या कहलाएगा ये एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो दैट मीन्स एसिटिल एसाइल क्लोराइड को अगर अपन यूज कर रहे हैं एसाइल क्लोराइड को अगर यूज करते हैं तो यहाँ पर बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या होता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है। क्या होता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ये वाली दो रिएक्शन अपन ने पढ़ी है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड्स। फर्स्ट कौन सी स्टूडेंट्स स्टीफन रिडक्शन, कौन से वाला स्टीफन रिडक्शन। दूसरा अपन ने पढ़ा है जब भी एरो पे आपको दिखाई दे PdBSO4 ये वाला एसाइल क्लोराइड का तो अपन ने क्या बनाना है एल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। दैट मींस यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा Cl यहां से निकलेगा और अपन रिएक्शन कराएंगे H2 रिडक्शन का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन का एडिशन। यहाँ से एक एस तो निकाल लेगा Cl को ये बन जाएगा HCl और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा इसके साथ में तो क्या बन जाएगा आपके पास में एल्कोहल CHO ग्रुप यहाँ पर बन जाएगा, ये बन गया एल्डिहाइड ग्रुप। ओके ये दो टाइप की रिएक्शन थी किसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड्स। ओके नेक्स्ट है मैं अपन देखने वाले हैं किसका ओनली थर्ड टाइप की जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उनको अपन देखेंगे जिसमें ओनली किसका फॉर्मेशन करेंगे स्टूडेंट्स ओनली अपन कीटोन का फॉर्मेशन करने वाले हैं। ओके टुडे वी सी ओनली टू रिएक्शंस फॉर्मेशन टाइप सेकंड था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स में ओनली एल्डिहाइड का फॉर्मेशन। ओके थैंक यू।